अस्सलाम वालेकुम डेयर व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ आपका किचन में आसिया में। तो आज ही मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। इसके लिए 1 कप मैदा है, 2 कप मिल्क पाउडर है, 1 टेबलस्पून भर के जाएगा बेकिंग पाउडर का, और 3 टेबलस्पून इसमें जाएंगे घी के, हसबे ज़रूरत इसमें जाएगा दूध, जिसको हमने इसकी गूंथने के लिए जब डो रेडी करनी है तो उसके लिए हमें चाहिए। तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। पहले हम इनको ड्राई मिक्स करेंगे। किसी भी डो में जब भी आपने घी डालना है, उसको पहले आपने अच्छा सा वेल कंबाइन करना है, उसके बाद ही आपने उसके अंदर कुछ भी लिक्विड फॉर्म में चीज़ ऐड करनी है। चलें अब थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालते जाएंगे। आपने इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक रखनी है। ये देखें, जब इस फॉर्म में हमारी डो आ जाएगी तो ये बिल्कुल ठीक है। आपने इसको कवर करके 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। यहाँ पे जी मैं आपको शो करवा थी जो हमारी लाहौर में ट्रेडिशनल किस्म के जो गुलाब जामुन मिलते हैं, वो इस तरह से सर्व किए जाते हैं मिट्टी के बर्तनों में। इसको मिट्टी का गुच्छा कहते हैं। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप लेनी है चीनी के, और 4 कप जाएगी इसमें पानी के। जितनी चीनी है उसे डबल क्वांटिटी में जो है ना पानी जाएगा। हमने कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी। साथ मैंने इसके अंदर एक इलायची डाल दी थी और इसको हम बॉईल होने छोड़ देंगे। साथ ही एक कढ़ाई में मैंने हल्की आंच पे घी गरम होने रख दिया था। यहाँ पे जी डो हमारी रेडी है। इस टाइम पे आके 10 मिनट के बाद फ्रिज से निकालने के बाद हमने 1 अंडा इसके अंदर शामिल करना है। अंडा इसीलिए डाला जाता है इसकी बाइंडिंग अच्छी हो। अगर आप अंडा नहीं डालेंगे तो उसमें क्रैक्स आएंगे, और जब क्रैक्स आएंगे हम इसको फ्राई करेंगे तो गुलाब जामुन टूट जाएंगे। ये मैं आपको चाशनी दिखा रही थी। चाशनी के अंदर जब 2 से 3 बॉयल आ जाएगा, चीनी डिसॉल्व हो जाएगी, तो हमने उसका चूल्हे को आहिस्ता कर देना है। चाशनी के नीचे से चूल्हा बंद नहीं करना। कुछ मैं गोल वाले गुलाब जामुन बना रही हूँ और कुछ मैं मतलब देखें कितने इसके लुक मज़े की लग रही है। सो यार लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपने एक होता है टी वाइटनर और एक होता है मिल्क पाउडर। हम टी वाइटनर को भी मिल्क पाउडर समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं रेसिपी की तरफ आ जाऊँ। यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन हल्की आंच पे फ्राई किए हैं। आपकी जो फ्राई की जो फ्लेम होगी वो बिल्कुल मीडियम टू लो होगी। तेज़ पे करेंगे, ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रहेंगे, जिसको हम बाद में हमारी शिकायत रहती है जी ऊपर से पक गया और अंदर से गुठली बन गई है, तो उसकी रीज़न ही यही होती है कि आपकी फ्लेम हाई होती है। साथ ही मैंने चूल्हा नहीं बंद किया हुआ चाशनी में, साथ ही गर्म गर्म हमने चाशनी के अंदर ऐड कर देने हैं। और यहाँ पे गुलाब जामुनों की शेप कितने ही मज़े की लग रही है। अच्छा, तो मैं आपको डिफरेंस बता रही थी टी वाइटनर और मिल्क पाउडर में। टी वाइटनर बेसिकली, उसके ऊपर मैं किसी ब्रांड का नाम शो नहीं कर रही, लेकिन आपको खुद वहाँ पर लिखा होगा कि टी वाइटनर कौन सी हैं और मिल्क पाउडर कौन सा है। मैं आपको आपकी आसानी के लिए बता देती हूँ कि आपने जो मिल्क पाउडर यूज़ करना है कोई भी ले लें, मैंने यहाँ पे नीडो यूज़ किया था, आप कोई भी ले लें, उसके ऊपर मेंशन होगा मिल्क पाउडर। जो टी वाइटनर होते हैं उसके ऊपर अलहदा से मेंशन होता है वो टी वाइटनर है। अगर आप उसके बनाएंगे तो ना वो जायका होगा और ना ही आपके गुलाब जामुन ठीक बनेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे अब जी प्रेजेंटेशन की बारी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो गुलाब जामुन है आपने उसको कवर करके ही रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए। ये देखिए साइज़ में भी डबल हो गए हैं, चाशनी भी गाढ़ी हो गई है, और गुलाब जामुन देखने में भी बहुत मज़े के लग रहे हैं। यहाँ पे जी मैं आपको इसको दिखा रही हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं।
बिल्कुल बाजार की तरह बने थे मेरे गुलाब जामुन। आपने एज इट इज़ रेसिपी फॉलो करनी है और जो मैंने साथ आपको टिप्स दी हैं वो भी फॉलो करनी है, तो आपके गुलाब जामुन भी मेरी तरह ही बनेंगे। तो ये देखें मटका गुलाब जामुन बनके बिल्कुल तैयार हैं और देखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।